यस तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हमारा जो टॉपिक है वो थ्योरी ऑफ इंडिकेटर्स में से है। जैसे कि आप जानते हैं ये आपके सेकेंड यूनिट का फर्स्ट चैप्टर एसिड बेस टाइट्रेशन चल रहा है। ठीक है, एसिड बेस टाइट्रेशन में सबसे पहले हमने क्या पढ़ा सर? एसिड बेस की जो थ्योरी थी, कंसेप्ट थे, कौन कौन से थे सर? पहला था आरहेनियस कंसेप्ट, दूसरा था ब्रूस्टर एंड लॉरी, एंड तीसरा था लुईस थ्योरी। पहले तो हमने जाना कि एसिड बेस है क्या। उसके बाद हमने जो तीन थ्योरी थी अकॉर्डिंग टू तीन जो थ्री था थ्री साइंटिस्ट उनके अकॉर्डिंग जो जो एसिड बेस का डेफिनेशन था उसको हमने पढ़ा। उसके बाद में हमने जाना कि क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड बेस टाइट्रेशन कितने टाइप की पॉसिबिलिटी है ना। सबसे पहले हमने पढ़ा स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, फिर हमने पढ़ा वीक एसिड वीक बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस और वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड। ये चार पॉसिबिलिटी जो थी क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड बेस टाइट्रेशन में, उन चारों को हमने करके देखा। और उसके बाद हमने न्यूट्रलाइजेशन कर्व जो है उसको भी परफॉर्म किया। न्यूट्रलाइजेशन कर्व में क्या देखा कि सर जब हम एसिड बेस का टाइट्रेशन करवा रहे हैं तो किसी भी सब्सटेंस का हम उसकी जो एंड पॉइंट डिटरमिनेशन है विद द हेल्प ऑफ कर्व भी हम डिटरमिनेशन कर सकते हैं। विद द हेल्प ऑफ कर्व हम उस किसी भी एसिड या बेस का कंसेंट्रेशन भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो न्यूट्रलाइजेशन कर्व में दो चीज इंपॉर्टेंट थी सर, पीएच और वॉल्यूम ऑफ टाइट्रेंट, मतलब जो ब्यूरेट में फिल कर रहे हैं उसका वॉल्यूम देखना है और जो कॉनिकल में फिल कर रहे हैं उसका पीएच देखना है। अब कंडीशन आप अपने हिसाब से लगा सकते हैं कि सर स्ट्रॉन्ग एसिड इसमें है स्ट्रॉन्ग बेस इसमें है, उस हिसाब से हम जो है कर्व बनाते हैं। यहाँ से अगर नीचे स्ट्रॉन्ग बेस होगा तो यहाँ से कर्व स्टार्ट हो जाएगा, अगर नीचे जो है स्ट्रॉन्ग एसिड होगा तो यहाँ से कर्व स्टार्ट हो जाएगा। और ये दोनों कर्व जो है लगभग अपने मिरर इमेज में रहते हैं। ठीक है, तो यहां तक हमने बेसिकली पढ़ लिया कि सर रिटुलेशन कर्व क्या होता है, ये सारा सारा हमने स्टडी कर लिया। अब नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है थ्योरी ऑफ इंडिकेटर, मतलब कि सर यहाँ पे जब हम किसी भी एसिड और बेस का टाइट्रेशन करवाते हैं, किसी भी एसिड और बेस का जब हम टाइट्रेशन करवाते हैं, जैसा कि आपने लेबोरेटरी में किया था कि सर ये ब्यूरेट है और ब्यूरेट के नीचे ये वाला जो है मेरा कॉनिकल फ्लास्क है। ओके, तो अब क्या है कि सर मैं इसमें जैसे कि सपोज टू, मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि यहाँ पे सर मेरा स्ट्रॉन्ग बेस है और यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एसिड है, यहाँ पे मेरा स्ट्रॉन्ग एसिड है। अब इस टाइट्रेशन को परफॉर्म करने में क्या होगा, मुझे पता है कि सर जितना मॉलिक्यूल मैं, जैसे कि सपोज टू मैं यहाँ पे 10 ml स्ट्रॉन्ग एसिड लेता हूँ, तो अप्रोक्सली मेरी जो रीडिंग है जो एंड पॉइंट है वो अप्रोक्सीमेटली 10 के आजूबाजू आना चाहिए, बिकॉज 10 स्ट्रॉन्ग एसिड के मॉलिक्यूल को न्यूट्रलाइज करने के लिए अप्रोक्सीमेटली 10 मॉलिक्यूल ही बेस के यूज आएंगे, बिकॉज दे आर बोथ आर द स्ट्रॉन्ग। तो अब ये जो है ये तो मुझे पता है कि यहाँ पे एंड पॉइंट जो है अप्रोक्स नियर अबाउट 10 के आजूबाजू आएंगे, बट मुझे पता कैसे चलेगा, मुझे पता कैसे चलेगा फॉर विजुअल आइडेंटिफिकेशन। विजुअल आइडेंटिफिकेशन इन द सेंस कि सर जैसे ही यहाँ पे पिंक कलर आना शुरू हो जाएगा, पिंक कलर आना शुरू हो जाएगा उस समय, लाइट पिंक कलर आना शुरू हो जाएगा उस समय मैं देख लूंगा कि यहाँ पे मेरा एंड पॉइंट आ गया है। और अप्रोक्सीमेटली मैं क्रॉस वेरीफाई भी कर सकता हूँ कि भाई लगभग 10 ml अगर मैंने कॉनिकल फ्लास्क में लिया है तो ऊपर भी रीडिंग जो है वो लगभग 10 ml के आजूबाजू आनी चाहिए। और जैसे ही 10 ml के आजूबाजू आएगी तो वहां पे आपको लाइट पिंक कलर जो है शो हो जाएगा, उसी समय आपको जानना है कि हमारा एंड पॉइंट जो है वो आ गया। अब ये लाइट पिंक कब आएगा, जब आप इसमें फिनोफ्थलिन इंडिकेटर डालेंगे। जी हाँ, कौन सा? फिनोफ्थलिन इंडिकेटर। और फिनोफ्थलिन इंडिकेटर को मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगा पी और एच या IPH, कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो फिनोफ्थलिन इंडिकेटर जो है वो मैंने यहाँ पे सेलेक्ट क्यों किया, क्योंकि मुझे कंडीशन पता थी सर मेरा जो कॉनिकल फ्लास्क में एसिड है और ब्यूरेट में मेरा क्या है बेस है, तो मुझे पता है कि जब मैं फिनोफ्थलिन इंडिकेटर यूज करूंगा तो उसका नेचर क्या है कि सर वो एसिडिक कंडीशन में कलर नहीं देता है, और जैसे ही सॉल्यूशन बेसिक कंडीशन का हो जाता है तो वो अपने पिंक कलर शो करता है। ठीक है, तो अब ये जो आप मैजिक देख रहे हो, ये कलर जो चेंज होता है इसका फिनोफ्थलिन का, वो क्यों होता है, उसके पीछे दो साइंटिस्ट ने दो अलग अलग थ्योरी दी, उसी थ्योरी को आज हम पढ़ेंगे। ठीक
ठीक है, जो पिंक कलर आता है जैसे ही सॉल्यूशन, मतलब यहाँ पे कन्वर्जन चेंज क्या हो रहा है, चेंज क्या हो रहा है, यूज़ आप खुद नोट कर सकते हैं कि सर जैसे जैसे मैं यहाँ पे जो है सॉल्यूशन यहाँ पे ऐड करता जा रहा हूँ, सॉल्यूशन यहाँ पे ऐड करता जा रहा हूँ, उस कंडीशन में क्या होता जा रहा है कि पहले तो जितने मॉलिक्यूल, जैसे 10 है वो 9 पे, जैसे ही दोनों 10 हो गए तो सॉल्यूशन क्या हो गया, ये सर स्ट्रॉन्ग एसिड था, धीरे धीरे इसकी पीएच बढ़ी क्योंकि मैं उसको न्यूट्रलाइज कर रहा हूँ, स्ट्रॉन्ग एसिड की पीएच बढ़ती गई बोले तो वो न्यूट्रलाइज की तरफ जा रहा है, मतलब उसकी पहले पीएच 1 थी, फिर 2 हुई, 3 हुई, 4 हुई, 5 हुई, 6 हुई और 7, 7 बोले तो क्या न्यूट्रलाइज, तो वो न्यूट्रलाइज कंडीशन की ओर जा रहा है। इसका मतलब क्या है कि सर यहाँ पे जैसे ही वो सॉल्यूशन न्यूट्रलाइज हो जाएगा तो ये सॉल्यूशन जो है वो कैसा हो जाएगा, एक ड्रॉप भी अगर बेस की पड़ेगी तो वो सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा, बेसिक हो जाएगा, और जैसे ही ये सॉल्यूशन बेसिक हो जाएगा पीएच जो है, पीएच क्या हो जाएगी इसकी, बेस हो जाएगी, और बेसिक पीएच में फिनोफ्थलीन इंडिकेटर जो है वो कलर देगा, बेसिक पीएच में फिनोफ्थलीन इंडिकेटर कलर दे देगा। ठीक है, तो इस हिसाब से हम देख लेंगे कि सर यहां पे जैसे ही बेसिक सॉल्यूशन होगा वहां पे पीएच कलर दे देगा। अब एक तो ये कंडीशन हो गई, दूसरी कंडीशन क्या हुई उसको हम एक्सप्लेन करते हैं। देखिए यहां पे यस, तो पहली कंडीशन क्या थी कि सर फर्स्ट कंडीशन क्या है कि सर यहां पे मेरा ब्यूरेट है और यहां पे जो है वो मेरा दूसरा ब्यूरेट है और कॉनिकल फ्लास्क। अब कंडीशन ए है और कंडीशन बी है, कंडीशन ए एंड कंडीशन बी, दोनों में डिफरेंस क्या है सर, दोनों में डिफरेंस ये है कि ऊपर और नीचे जो मैंने केमिकल लिए हैं वो अलग अलग हैं। जैसे कि यहां पे मैंने स्ट्रॉन्ग बेस लिया है और नीचे मैंने लिया है स्ट्रॉन्ग एसिड, यहां पे क्या कंडीशन है सर, यहां पे मैंने स्ट्रॉन्ग एसिड जो है वो ऊपर ले लिया है और स्ट्रॉन्ग बेस जो है वो मैंने नीचे ले लिया। अब पोर्शन, अब जो है डिसीजन की बारी आती है कि सर किस कंडीशन में हमको कौन सा इंडिकेटर यूज करना है, वो कैसे डिसाइड होगा और इंडिकेटर में आखिर होता क्या है। दोनों कंडीशन हम पढ़ रहे हैं एसिड बेस साइट्रेशन के अंदर। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या किया कि सर जैसे ही मैंने टाइट्रेशन स्टार्ट की, जैसे ही मैंने टाइट्रेशन स्टार्ट की उस कंडीशन में क्या हुआ कि जब मुझे पता था कि स्ट्रॉन्ग बेस जो है वो ब्यूरेट में है और स्ट्रॉन्ग एसिड है जो कॉनिकल फ्लास्क में। अब इतना आपको पता होना चाहिए कि सर फिनोफ्थेलिन इंडिकेटर जो है, फिनोफ्थेलिन इंडिकेटर जो है उसका नेचर कैसा है कि सर वो एसिड कंडीशन में कलर नहीं देगा, शुरुआत में कलर नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे कलर कब चाहिए, जब ये सॉल्यूशन जो एसिड से बेस की तरफ बढ़ेगा, न्यूट्रलाइज होगा और फिर बेसिक की तरफ बढ़ेगा और बेसिक में वो कलरफुल हो जाएगा, पिंक कलर जो है वो मुझे शो हो जाएगा, इस हिसाब से मुझे वो चाहिए। तो इस कंडीशन में मैं कौन सा इंडिकेटर यूज कर रहा हूँ सर, फिनोफ्थलिन इंडिकेटर यूज कर रहा हूँ, बिकॉज फिनोफ्थलिन इंडिकेटर जो है वो एसिड में कलर नहीं देता और जैसे ही सॉल्यूशन जो है बेस कंडीशन में हो जाता है, बेसिक सॉल्यूशन हो जाता है, उस कंडीशन में वो कलर शो करता है, और जैसा कि यहाँ पे इस साइट्रेशन में मुझे इजीली वो आइडेंटिफाई हो गया। नेक्स्ट कंडीशन में क्या होता है कि सर दूसरी कंडीशन कुछ ऐसी है कि उसमें क्या होगा कि मुझे पता है स्ट्रॉन्ग एसिड जो है वो ऊपर और स्ट्रॉन्ग बेस नीचे। अब इस कंडीशन में मैं अगर फिनोफ्थेलिन इंडिकेटर डाल देता हूं, इस कंडीशन में अगर मैं फिनोफ्थेलिन इंडिकेटर डाल देता हूं तो क्या होगा सर, स्ट्रॉन्ग बेस नीचे है, सडन ही कलर आ जाएगा, मतलब एक ही ड्रॉप आप अगर फिनोफ्थेलिन इंडिकेटर की डाल दोगे तो सडन इमीजिएटली जो है पिंक कलर आ जाएगा, तो यू कैन नॉट आइडेंटिफाई द एंड पॉइंट ऑफ टाइट्रेशन, सो वी विल चूज अनोदर डिफरेंट इंडिकेटर फॉर दिस टाइट्रेशन व्हेन वी यूज ब्यूरेट इन स्ट्रॉन्ग एसिड एंड कॉनिकल फ्लास्क ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस। सो द अनोदर ऑप्शन इज मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर।
अनदर ऑप्शन इज मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर या मिथाइल रेड इंडिकेटर। तो मिथाइल ऑरेंज जो है वो इस कंडीशन में मैं यूज कर रहा हूं, कौन सा? मिथाइल ऑरेंज। ठीक है, मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर मैं क्यों यूज कर रहा हूं? क्योंकि सर मुझे पता है कि यहां पे ये जो इस कंडीशन में है, जब मैं ब्यूरेट में स्ट्रॉन्ग एसिड ले रहा हूं और मैं कॉनिकल फ्लास्क में स्ट्रॉन्ग बेस ले रहा हूं, उस कंडीशन में मुझे क्या करना है कि मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर लेना है, क्योंकि मैं जानता हूं मिथाइल ऑरेंज जो इंडिकेटर है वो स्ट्रॉन्ग बेस में, मतलब बेसिक कंडीशन में वो अपना कलर शो नहीं करता, जबकि जैसे ही सॉल्यूशन जो है वो एसिड कंडीशन में आ जाएगा वो अपना कलर जो है वो शो कर देगा। ठीक है, तो जैसे ही आप यहाँ पे मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर डालेंगे और एंड पॉइंट सपोज टू आप अगर कॉनिकल फ्लास्क में जो है 10 ml अप्रोक्सीमेटली अगर लेते हैं, तो यहाँ पे जैसे कि स्ट्रॉन्ग बेस के 10 ml मॉलिक्यूल है और 10 ml ही स्ट्रॉन्ग एसिड के उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए वर्क करेंगे, तो एट द एंड पॉइंट 7 pH पे क्या होगा? यहाँ पे क्या हो रहा है, देखिए pH हाई है, स्ट्रॉन्ग बेस की pH अप्रोक्सीमेटली 13-14 के आजूबाजू, तो क्या होगा, pH जो है कम होती जाएगी क्योंकि यहाँ पे आप स्ट्रॉन्ग एसिड से उसको न्यूट्रलाइज कर रहे हो। तो जैसे 14 से 13, 12, 11, 10, 9, 8 और 7, जैसे ही 7 हुआ यहाँ पे पिंक कलर शो हो जाएगा आपको, बिकॉज ऑफ ये सॉल्यूशन जो है न्यूट्रलाइज हो गया, और एक ड्रॉप भी अगर आप अगर एसिड की डालोगे तो यहाँ पे ये सॉल्यूशन जो है वो एसिडिक हो जाएगा, और जैसे ही ये सॉल्यूशन एसिडिक हो जाएगा यहाँ पे मिथाइल ऑरेंज अपना वर्क करेगा। क्या वर्क करेगा कि मिथाइल ऑरेंज का क्या वर्क है कि जैसे ही सॉल्यूशन जो है वो एसिडिक होगा यहाँ पे वो पिंक कलर जो है वो शो करेगा। ठीक है, तो दोनों अलग अलग कंडीशन में अलग अलग वर्क करते हैं और उस हिसाब से ही हमको उसको यूज करना है। समझ में आ गई? तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे सर? मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर यूज करेंगे बिकॉज कॉनिकल फ्लास्क में स्ट्रॉन्ग बेस है, और अगर स्ट्रॉन्ग बेस है तो मैं मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर यूज करूंगा बिकॉज वहां पे बेसिक कंडीशन में वो कलर नहीं देता, एसिडिक कंडीशन में। और ये कहिए मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर जो है मैं अगर यहाँ पे डाल देता स्टार्टिंग में, तो स्ट्रॉन्ग एसिड जो है वो नीचे था तो इमीडिएटली कलर आ जाता, तो मेरा एंड पॉइंट डिटरमिनेशन नहीं हो पाता। तो ये फंडा जो है आपको समझना होगा। अब यहाँ पे थ्योरी ऑफ इंडिकेटर में हम ये समझेंगे कि सर ये जो कलर चेंज हो रहा है स्ट्रॉन्ग एसिड में अलग और स्ट्रॉन्ग बेस सॉल्यूशन में अलग, उसमें क्या हो रहा है, उसमें क्या ऐसा जो है मैजिक हो रहा है जो हमको समझने की जरूरत है। तो इसमें ऐसा कुछ मैजिक कुछ नहीं हो रहा है। क्या हो रहा है कि सर यहाँ पे दो साइंटिस्ट ने अलग अलग थ्योरी दी। ठीक है, कौन सी थ्योरी? ऐसे थ्योरी ऑफ इंडिकेटर, थ्योरी ऑफ इंडिकेटर। उसमें क्या था कि सर पहली थ्योरी जो थी वो क्या थी और दूसरी, दो टाइप की थ्योरी थी, क्या क्या थी? पहले तो देखिए, इन द इंडिकेटर सब्सटेंस विच इज डिटरमाइंड द एंड पॉइंट टाइट्रेशन इन जनरल ऑफ एसिड बेस टाइट्रेशन ऑर्गेनिक सब्सटेंस, वीक एसिड एंड वीक बेस आर जनरली इंडिकेट द चेंज इन कलर ऑफ पीएच। मतलब जैसे कि हम जानते हैं किसी भी वीक एसिड और वीक सॉल्यूशन की जब हम टाइट्रेशन परफॉर्म करवाते हैं तो उस समय हम किसी भी इंडिकेटर की हेल्प से ही उसका एंड पॉइंट डिटरमिनेशन करते हैं। एसिड बेस टाइट्रेशन डिपेंड ऑन न्यूट्रलाइजेशन कर्व एंड न्यूट्रलाइजेशन बिटवीन द एसिड बेस व्हेन द मिक्सचर इन ए सॉल्यूशन इन एडिशन ऑफ सेम एप्रोप्रिएट इंडिकेटर एड टू टाइट्रेशन चेंबर रिफ्लेक्शन। मतलब यहाँ पे यही समझाया गया है कि किसी भी एसिड बेस्ड टाइट्रेशन को परफॉर्म करने से पहले हम इंडिकेटर का चूज करते हैं और कौन सा इंडिकेटर हम किस हिसाब से डालते हैं ताकि हमको एंड पॉइंट जो है वो प्रॉपरली डिटरमिनेशन हो जाए। तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी ऑफ इंडिकेटर में टू टाइप की थ्योरी जो है वो हमको देखने को मिलती है। जनरली टू थ्योरी हैव बीन प्रपोज फॉर एक्सप्लेन द चेंज इन कलर ऑफ एसिड बेस्ड इंडिकेटर। मतलब जो चेंज कलर हो रहा है, पिंक कलर सडनली आ रहा है एसिड कंडीशन में, बेस कंडीशन में, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल टू टाइप की थ्योरी हमने पढ़ी, पढ़ेंगे हम। पहली है ओट्सवाल थ्योरी एंड दूसरी कौन सी है, क्यूनॉइड थ्योरी। दोनों अलग अलग साइंटिस्ट थे, उन साइंटिस्ट के नाम पे ये दोनों थ्योरी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन में करा दूंगा। देखिए ओट्सवाल थ्योरी में क्या रहता है, ओट्सवाल साइंटिस्ट ने कहा कि अगर किसी भी एसिड बेस साइट्रेशन में हम किसी भी इंडिकेटर को यूज कर रहे हैं तो वो जो इंडिकेटर है वो अपनी दो फॉर्म में रहता है। पहली फॉर्म है अनायनाइज फॉर्म, दूसरी है आयोनाइज फॉर्म। मतलब अगर वो एसिड कंडीशन में अनायनाइज फॉर्म में है तो जैसे ही वो बेसिक कंडीशन में जाएगा वो आयोनाइज फॉर्म में चले जाएगा। तो बस यही इंडिकेटर का आयोनाइजेशन और अनायनाइजेशन के कारण ही वो उसका कलर चेंज होता है अकॉर्डिंग टू ओट्सवाल थ्योरी। चलिए लेट मी एक्सप्लेन कैसे। ये रहा,
फर्स्ट ऑफ ऑल ओस्वाल्ड थ्योरी के बारे में देखते हैं क्या रहेगा। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी द कलर चेंज ड्यू टू द आयोनाइजेशन ऑफ एसिड बेस इंडिकेटर एंड द अनआयोनाइजेशन फॉर्म ऑफ डिफरेंट कलर ऑफ आयनाइज। मतलब किसी भी पीएच किसी भी इंडिकेटर का आयोनाइजेशन और अनआयोनाइजेशन होना, मतलब अगर वो एसिड में स्ट्रॉन्ग एसिड जो है उस सॉल्यूशन में अगर वो आयोनाइज फॉर्म में है तो जैसे स्ट्रॉन्ग बेस में आएगा कलर चेंज कराएगा वो अपनी अनआयोनाइज फॉर्म में कन्वर्ट होता है, और यही आयोनाइज और अनआयोनाइज फॉर्म में कन्वर्ट होना ही उसका क्या है, उसका कलर चेंज होना। नेक्स्ट क्या है देखिए, द आयोनाइज ऑफ द इंडिकेटर इज लार्ज अफेक्टेड बाय एसिड बेस इंडिकेटर टाइट्रेशन। वीक एसिड वीक बेस इन केस ऑफ इंडिकेटर वीक एसिड इट्स आयोनाइज वेरी मच लो एसिड्स कॉमन एच प्लस आयन्स एंड वाइल द फेयरली आयोनाइज एल्कलाइन सिमिलर द इंडिकेटर वीक बेस एंड इट्स आयोनाइजेशन लार्ज एसिड लो एल्कलाइन ड्यू टू द कॉमन OH आयन। ओके नेक्स्ट लाइक फॉर एग्जाम्पल वी कंसिडर वन एग्जाम्पल इज फिनोफ्थेलिन इंडिकेटर। कौन सा है? फिनोफ्थेलिन इंडिकेटर। ठीक है, इसमें क्या है, फिनोफ्थेलिन इंडिकेटर में इट इज यूज फॉर पीएच एज इंडिकेटर, इट्स कलरलेस इन एसिडिक सॉल्यूशन, जैसे कि हमने जानता है अभी हमने डिस्कस किया जैसे कि फिनोफ्थेलिन इंडिकेटर जो है सर वो एसिड कंडीशन में कलरलेस रहता है एंड बेसिक सॉल्यूशन में इट्स टर्न्स टू वीक पिंक अप टू कलर ऑफ पीएच 10। मतलब जैसे ही बेसिक कंडीशन में हम जाएंगे तो वो कलर शो करेगा। कैन बी रिप्रेजेंट बाय HPH, फिनोफ्थेलिन इंडिकेटर का शॉर्ट फॉर्म क्या है, HPH। इट आयनाइज सॉल्यूशन टू स्मॉल एक्सटेंट लाइक कलरलेस टू पिंक कलर, जैसा कि यहाँ पे आप रिएक्शन में देख रहे हैं, इट समथिंग लाइक। चलिए नेक्स्ट, और इसी को थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं, अप्लाइंग लॉ ऑफ मास। द डिसोसिएशन मॉलिक्यूल ऑफ फिनोफ्थेलिन इंडिकेटर आर कलरलेस वाइज पीएच आयन इज पिंक कलर। मतलब जैसे ही डिसोसिएशन होगा, यहाँ पे एक जस्ट एग्जाम्पल के तौर पे, इसका फॉर्मूला जो है वो अलग होता है, बट यहाँ पे जस्ट एग्जाम्पल के तौर पे हम समझ रहे हैं कि पीएच और एच जो डिसोसिएट होंगे तो पीएच पिंक कलर में डिसोसिएट होता है। इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड आयनाइजेशन पीएच एच पी एच इज प्रैक्टिकली नेग्लिजिबल एज द इक्विलिब्रियम शिफ्ट ऑफ लेफ्ट हैंड साइड टू बी हाइड। On the addition of alkali, hydrogen are remove OH ion from the water molecule, equilibrium shift to right hand, and thus the concentration of pH increase, solution they pink color. मतलब जैसे ही concentration increase होगी acidic की, acid का आप एक भी drop ज्यादा डालोगे तो जैसे कि आपने देखा होगा colorful ज्यादा हो जाता है, light pink और colorful। जैसे जैसे आप acidic more acidic solution करते जाएंगे वो जो solution है वो more pink color हो जाएगा, मतलब ज्यादा pink color। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। ओके ठीक है, तो नेक्स्ट हम चलते हैं इसमें, यहां पे सेकंड एग्जांपल इज मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर। कौन सा है? मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर। देखिए इसमें क्या है, इट इज अ वीक बेस can be represent MeOH, its ionized solution gives me Me plus OH ion। मतलब जैसे कि हमने बताया फिनोफ्थेलिन इंडिकेटर में क्या था, HPH, मतलब कि अगर वो बेस कंडीशन में है और सॉरी एसिड कंडीशन में है और जैसे बेसिक कंडीशन में चलेगा उसका डिसोसिएशन हो जाएगा और डिसोसिएशन के कारण उसका जो है वो पिंक कलर्स हो जाएगा, मतलब आयनाइज से अनआयनाइज फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो सेम लाइक यहाँ पे भी मिथाइल इंडिकेटर, जब मैं कॉर्निकल फ्लास्क में सर स्ट्रॉन्ग बेस यूज कर रहा हूँ उस कंडीशन में, मतलब बेसिक सॉल्यूशन मुझे कलरफुल नहीं चाहिए, एसिड सॉल्यूशन होगा उसमें कलरफुल मुझे चाहिए, तो उस कंडीशन में मैं मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर यूज करूंगा। इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड OH आयन आर रिमूव फ्रॉम द वाटर ऑफ मॉलिक्यूल एंड इक्विलिब्रियम ऑफ राइट हैंड साइड, सेम टू सेम फिनोफ्थेलिन इंडिकेटर की तरह ही आप इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट, द इक्विलिब्रियम ऑफ द यस On the addition of alkaline concentration, OH ion increase the solution of the equilibrium shift left hand side ionization. Thus, the solution equilibrium of color ionized methyl orange in the molecule. Okay. Next, this theory also explains the reason why phenolphthalein is not suitable for indicator titration of weak base and strong acid.
The OH fund is by the weak base is not sufficient to equilibrium to us. So similarly, it can be explained why methyl orange is not suitable for indicator of weak acid. Okay. तो यहाँ पे जैसे कि हमने जाना कि जब हम कंडीशन जो है हमारी वाई वर्सा हो जाती है, अगर स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड और पीक बेस, तो मिथाइल रेट और मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर जो है वो हम उस कंडीशन में यूज करते हैं. अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, अकॉर्डिंग टू ओसवाल्ड थ्योरी, द इंडिकेटर गेट चेंज इन आयोनाइज टू अनआयोनाइज फॉर्म एंड अनआयोनाइज टू आयोनाइज फॉर्म. दैट्स व्हाई दे हैव चेंज इन कलर टू लाइट पिंक टू कलरलेस या कलरलेस टू लाइट पिंक. ओके, नेक्स्ट आपकी जो थ्योरी है वो है वो क्यूनोइड थ्योरी. क्यूनोइड थ्योरी, ठीक है, क्यूनोइड थ्योरी को हम कल डिस्कस करेंगे. ओके, नेक्स्ट जो हमारी थ्योरी है वो क्यूनोइड थ्योरी. क्यूनोइड थ्योरी में क्या आता है, बेसिकली अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, जिसमें कि हमने पढ़ा कि ओसवाल्ड थ्योरी में क्या था कि जो इंडिकेटर है वो आयनाइज फॉर्म से अनआयनाइज फॉर्म और अनआयनाइज फॉर्म से आयनाइज फॉर्म में कन्वर्ट होता है. बट अकॉर्डिंग टू क्यूनोइड्स थ्योरी, द एसिड बेस इंडिकेटर टू टॉटोमर्स हैव डिफरेंट स्ट्रक्चर, टू डिफरेंट फॉर्म, इन वन फॉर्म ऑफ बेंजोइक फॉर्म एंड क्यूनोइड फॉर्म. मतलब अकॉर्डिंग टू दिस, अगर कोई इंडिकेटर जो है वो अपनी एसिड कंडीशन में क्यूनोइड फॉर्म में रहेगा तो बेस कंडीशन में बेंजोइड फॉर्म में रहेगा, और अगर बेस कंडीशन में क्यूनोइड फॉर्म में रहेगा तो एसिड कंडीशन में बेंजोइड फॉर्म में रहेगा. तो बेसिकली दोनों इंडिकेटर के दो फॉर्म है, बेंजोइड फॉर्म या क्यूनोइड फॉर्म, या फिर ऐसा बोल दीजिए आयनाइज फॉर्म या अनआयनाइज फॉर्म. तो डिफरेंट डिफरेंट थ्योरी जो है डिफरेंट डिफरेंट इंडिकेशन करती है, जैसे कि आप यहाँ पे डायग्राम में देख रहे हैं. द टू फॉर्म ऑफ डिफरेंट कलर, द चेंजिंग ड्यू टू द इंटरकन्वर्शन ऑफ टॉटोमर. मतलब डिफरेंट डिफरेंट एसिड बेस और इंडिकेटर में क्या होगा, डिफरेंट डिफरेंट टॉटोमर्स उसके चेंज हो गए, और अकॉर्डिंग टू दिस वो पीएच जो है, वो कलर जो है, वो इंडिकेटर का चेंज होगा. ठीक है, तो यहाँ पे दो थ्योरी को हमने समझा. जैसे कि मैं फिनोफ्थलिन इंडिकेटर की मैं अगर बात करूं, फिनोफ्थलिन इंडिकेटर का मैं अगर एग्जांपल लूं, तो यहाँ पे देखिए फिनोफ्थलिन हैज अ बेंजोइक फॉर्म इन एसिडिक एसिड. एसिडिक मीडियम में उसकी क्या होती है, बेंजोइक फॉर्म होती है, और जैसे ही वो थस इट इज कलरलेस वाइल द क्यूनोइड फॉर्म एल्कलाइन मीडियम, जैसे ही बेसिक कंडीशन में वो आएगा तो उसकी जो है फॉर्म कैसी हो जाएगी, क्यूनोइड फॉर्म हो जाएगी, और क्यूनोइड फॉर्म में वो क्या दे देगा, कलर दे देगा, जैसे कि यहाँ आपके एग्जाम्पल में देख रहे हैं. सेम लाइक यहाँ पे मिथाइल ऑरेंज में भी क्या रहता है, यही रहता है. कैसे, देखिए सेम ये वाला कंडीशन. ओके, तो यहाँ पे मिथाइल ऑरेंज में देखिए क्यूनोइड फॉर्म में एसिडिक कंडीशन में वो कलरफुल है और बेसिक कंडीशन में कलरलेस है. तो इस हिसाब से हम जानते हैं कि इंडिकेटर जो है अनआयनाइज फॉर्म आयनाइज फॉर्म में कलर डिफरेंट डिफरेंट कलर देते हैं अकॉर्डिंग टू ओसवाल्ड थ्योरी, और क्यूनोइड थ्योरी में क्या है कि डिफरेंट डिफरेंट क्यूनोइड और बेंजोइड फॉर्म में वो अवेलेबल होते हैं. ओके, सो थैंक यू सो मच.